हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये कुशन कवर का डिजाइन। डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। पांच कलर का कपड़ा लिया है, चार कलर हमारे ये हैं अलग अलग और एक कलर हमारा ये है। पांच कलर हो गए, ये चार पीस हैं, ये भी चार पीस हैं और ये भी चार पीस। जैसे ये पीसेज हैं, ये मेजरमेंट में 4.5 इंच है और यहाँ से भी 2.5 इंच है यहाँ से, तो चार पीस है सेम साइज के हैं। यहाँ से 4.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच, ये भी चार पीस हैं, तो ये हमारे 2.5 इंच है यहाँ से और यहाँ से भी 2.5 इंच के चार पीस हैं। सेम कलर हैं यही, और ये व्हाइट कलर के भी चार पीस हैं। ये हमारे 2.5 इंच है और यहाँ से भी 2.5 इंच है, 2.5 बाई 2.5 इंच के चार पीस हैं। ये भी 2.5 बाई 2.5 इंच के चार पीस हैं। सबसे पहले हमें ये पीस रेडी करने हैं। जैसे ये पीस हम इस तरह से लगाएंगे, ये ऐसे लगा दिया और ये रेड कलर का इस तरह से लगा देंगे। जैसे भी आप सेट करना चाहते हैं उस तरह से सेट कर सकते हैं, ऐसे कर लिए। अब इनको इसी तरह सिल लेना है, जैसे ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। दोनों पीस इस तरह सिल लिए हैं, अब इनको हमें इस तरह सिल देना है। तो ये पीस सिल लिए हैं, इस तरह से हमारा ये पीस बन गया है। यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद अब ये चार पीस है, इनको हमें यहाँ पर लगाना है। तो जैसे ये पीस है, इसे हमें जैसे ग्रीन है ऐसे एल शेप में आना चाहिए, और उसके बाद हमारा ये रेड आएगा, तो रेड भी हमारा यहाँ पे ऐसे एल शेप बन जाएगा। इसके बाद ये पीस है, ये इस तरह से लगेगा, और ये लास्ट में हमारा ये पीस है ऐसे लग जाएगा। इसके बाद ये चार कॉर्नर खाली हैं, तो ये 2.5 इंचेस के ये चार पीस है, ये हमारे यहाँ पर आएंगे इस तरह, चारों साइडों में ऐसे लगा देंगे। तो अब इनको सिलना है, तो इस तरह से ये पीसेस में साइड में ऐसे कर लूंगी। अब ये दो पीस हैं, जैसे इसके साथ ये सिल देना है और ये पीस इसके साथ सिल देंगे। दोनों पीसेस सिल दिए हैं, यहाँ पर हमें प्रेस कर लेनी है, या हाथ से ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद ये साइडों के पीस है, इनको सिलना है। जैसे ये व्हाइट पीस इसके साथ सिलेंगे और ये इसके साथ सिलेंगे, इसी तरह ये पीस भी ऐसे सिलना है। ये दोनों पीस भी सिल दिए हैं। अब इन पीसेस को हमें इस पीस के साथ सिलना है, लेकिन ये कॉर्नर है, इनका ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और ये पीस भी यहाँ पर सिल देंगे। सारे पीसेस ये भी सिल दिए हैं। अब इस तरह से हमारा डिजाइन बन गया है। इतना बनने के बाद, जैसे अगर हमारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा जैसे ये आगे पीछे हो गया है, यहाँ से सीधी लाइन हमें लगानी है और एक्स्ट्रा कट कर लेना है चारों ओर से। जैसे ये एक्स्ट्रा है, इसी तरह कट कर लेंगे, तो बाद में हम सिलाई लगाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी और फिनिशिंग भी हमारी एकदम अच्छे से आएगी। चारों कॉर्नर हमें कट कर लेने हैं। इतना पीस हमारा बनके रेडी हो गया है। इसके बाद हमें दो पीस और लेने हैं व्हाइट कलर के। तो ये दो पीस हैं, सेम साइज के हैं। तो मेजरमेंट में जैसे यहाँ से 7 इंच लिया है और यहाँ से भी 7 इंच लिया है, 7 बाई 7 इंच के दो पीस हैं। एक पीस हम रेडी करेंगे, तो ये पीस लिया है। इसके बाद जैसे हमने ये सेंटर में 2.5 इंचेस के ये पीसेस लगाए थे चारों कलर, यही हमें चार लेने हैं पीस। तो एक पीस मैंने ये लिया है व्हाइट कलर का, इसको हमें इस कॉर्नर में लगाना है, ये इस कॉर्नर में लगाएंगे। इसी तरह ये दूसरा पीस है, इसके ऊपर भी ये हमें 2.5 इंचेस के ये पीसेस लगाने हैं, तो दोनों कॉर्नर में लगाने आमने सामने ऐसे। अब जैसे ये है पीस, इसका ये कॉर्नर है और ये है, इस तरह से हमें लाइन लगा लेनी है, और ये साइड है, यहाँ पर भी ऐसे ही लाइन लगा लेंगे। ये पीसीज हैं, इनके ऊपर भी इसी तरह लाइन लगाएंगे। जिस तरह मार्किंग की है उसी तरह हमें सिलाई लगा देनी है दोनों पीसीज पर। यहाँ पर सिलाई लगा दी है, यहाँ पर भी सिलाई लग गई है। इसके बाद जितना सिलाई के लिए हम कपड़ा रखते हैं उतना रख के यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये भी इसी तरह कट करेंगे और दोनों पीसेस को हमें इस तरह करना है और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। ये भी इसी तरह कट करेंगे। प्रेस कर दी है, दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब यहाँ से हमें ये है ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, यहाँ से लाइन लगा लेनी है, और ये दूसरा पीस है, यहाँ से भी हमें ये लाइन लगा देनी है। ये एकदम बराबर होनी चाहिए हमारी मार्किंग। जिस तरह लाइन लगी है उसी तरह हमें कपड़े को कट कर लेना है। ये भी ऐसे कट कर लेंगे।
तो ये बन गए हैं चार पीस। अब इन पीसेस को हमें इस पीस के साथ लगाना है। जैसे ये पीस हमारा इस तरह से बनेगा, ऐसे जैसे ये पीस है इसको हमें यहाँ पर लगाना है। पहले हमें दोनों साइड का ज्वाइन कर लेना है, जैसे ये रखेंगे दोनों साइडों में और इसे हमें यहाँ पर सिल देना है। ये जो कपड़ा है दोनों साइड में हमें हमारा बराबर आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हमें इस तरह से यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं, ऐसे इस तरह सेंटर आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे तो दोनों साइड कपड़ा बराबर रहेगा, नहीं तो ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। अब यहाँ से सिलाई लगा देनी है और ये पीस भी यहाँ पर सिल देना है। दोनों पीस सिल दिए हैं, इन पीसेस को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। ये पीस दोनों लग गए हैं, इसके बाद ये पीस हमें यहाँ पर लगाने हैं। तो ये भी मैंने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया है, इसका भी ले लेंगे और दोनों को बराबर ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये पीस है इसे भी हमें इसी तरह सेंटर में बराबर करके रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये दोनों पीस भी सिल दिए हैं, अब इन पीसेस को ऐसे करना है और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। प्रेस मैंने यहाँ पर कर दी है, तो पीस हमारा ये इस तरह बन के रेडी हुआ है। ये कार्ड्स की हमारी शेप आ गई है और प्रेस करने के बाद जैसे हमारा सिलते टाइम थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऐसे आगे पीछे हो जाता है, इसे हमें इस तरह सीधी लाइन लगानी है चारों ओर से। ऐसे ये भी है, इसे हमें इस तरह सीधी लाइन लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा है इसे हमें कट कर लेना है ऐसे बराबर रख के, बाकी भी हम इसी तरह कट कर लेंगे जैसे मार्किंग की है। चारों ओर से कटिंग कर दी है तो एकदम हमारा ये बराबर हो गया है। कटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है, जैसे ये हमारा 12 इंच है और यहाँ से भी हमारा 12 इंच आना चाहिए, बराबर आना चाहिए चारों ओर से। तो ये हमारा 12 इंच और यहाँ से भी 12 इंच बन के रेडी हुआ है। तो 11x11 का हमारा इसका कुशन कवर बन जाएगा। अगर आपको जैसे बड़ा बनाना है तो जैसे फर्स्ट में मैंने ये 2.5 इंच का लिया है सारा मेजरमेंट, तो आप 3 इंच का ले सकते हैं, 3.5 इंच का ले सकते हैं, उस तरह हमारा ये बढ़ता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जैसे हमें इसका कुशन कवर बनाना है तो बैक साइड है यहाँ पर इसी मेजरमेंट का हमें कपड़ा ले लेना है, पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं, उसको चारों ओर हमें लगा देना है ऐसे, जिससे हमारी ये सिलाइयाँ ढक जाएंगी और कुशन कवर इसका बन जाएगा आराम से। तो जैसे अगर आपको पूरा कुशन कवर बनाना है तो मैं ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं पूरा वीडियो, जैसे जिप वाला या बिना जिप वाला दोनों मैंने बनाए हुए हैं। डिजाइन हमारा बनके रेडी हो गया है। डिजाइन आपको कैसा लगा? डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में।